सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो कहेंगे बच्चों, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि एक इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स के बीच में मनी का फ्लो, गुड्स का फ्लो या सर्विसेज का जो फ्लो होता है, जो मूवमेंट होता है, उसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इकोनॉमी का अलग अलग सेक्टर्स में क्या हो सकता है, जैसे एक सेक्टर ले लो, मान लो बिजनेस, इसको तुम फर्म सेक्टर भी कह सकते हो या प्रोडक्शन सेक्टर भी कह सकते हो। ये हमारा हो गया बिजनेस सेक्टर, और एक सेक्टर हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। अब इन दो सेक्टर के बीच में मनी का जो फ्लो होगा, गुड्स का फ्लो होगा या सर्विसेज का फ्लो होगा, उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे गुड्स का प्रोडक्शन कौन करता है, बिजनेस सेक्टर। अब बिजनेस सेक्टर क्या करता है, इस गुड्स को बेचता है हाउस होल्ड सेक्टर को। तो देख रहे हो कि गुड्स का जो फ्लो है वो कैसे हो रहा है, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। अब बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, पैसा देगा। तो पैसे का जो फ्लो होगा वो होता है हाउस होल्ड सेक्टर से लेकर, हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ। तो यहाँ पे देख रहे हो कि गुड्स का फ्लो बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ हो रहा है, और पैसे का जो फ्लो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ हो रहा है। तो ये जो गुड्स या मनी का जो मूवमेंट हो रहा है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच, ये कंटिन्यूस होता रहता है। इसे ही हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक और ले लो एग्जाम्पल, हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को क्या करता है, प्रोडक्शन फैक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे कि मजदूर, लेबर। अब बदले में बिजनेस सेक्टर क्या करता है, जब मजदूर देगा हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को, तो बिजनेस सेक्टर बदले में क्या करता है, मजदूरी देता है। तो प्रोडक्शन फैक्टर यानी कि लेबर का फ्लो कैसे हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ। और इनकम यानी कि वेजेस का फ्लो कैसे हो रहा है, तो बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। तो ये जो फ्लो हो रहा है, आप देख रहे हो गुड्स का, सर्विसेज का, मनी का, प्रोडक्शन फैक्टर का, ये फ्लो या मूवमेंट आपका क्या कहलाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाएगा। एक और ले लो एग्जांपल, जैसे कि एक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया और एक मान लो हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करती है। तो टैक्स का फ्लो कैसे हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। अब बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हीं टैक्स जो कलेक्ट किया हुआ टैक्स क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए या पब्लिक के लिए खर्चा करती है, जिसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का फ्लो कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में। तो इसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर इसलिए कहा जाता है कि कंटिन्यूस होता रहेगा, यानी कि हमेशा जो टैक्स का कलेक्शन है वो हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ होगा। यानी कि टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, हमेशा गवर्नमेंट। टैक्स का कलेक्शन हमेशा कैसे होगा, तो हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। और बदले में पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होगा वो कैसे होगा, उसका फ्लो कैसे होगा, गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। और ये कंटिन्यूसली होता रहता है, टैक्स कलेक्ट करेगा खर्चा करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा खर्चा करेगा। उसी तरह यहाँ पर भी देखोगे, गुड्स का जो फ्लो है हमेशा क्या होगा, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर। और पैसे का फ्लो हमेशा क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर। फिर गुड्स का फ्लो हुआ, फिर वापस हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ पैसे का फ्लो हुआ। तो ये कंटिन्यूस होता रहता है इकोनॉमी में, इसे ही हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इकोनॉमी में जो अलग अलग सेक्टर्स के बीच में मनी, गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट होता है या मनी, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, उसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको सर्कुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यूसली होता रहता है। अब इकोनॉमी में कौन कौन सेक्टर्स हैं, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, बिजनेस सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, तो बिजनेस सेक्टर को प्रोडक्शन फैक्टर यानी कि लेबर प्रोवाइड करेगा। यानी कि ले लो, अगर बिजनेस सेक्टर हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, बिजनेस सेक्टर को लेबर प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, लेबर। तो बदले में मजदूरी कौन देगा, बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देगा। यानी कि वेजेस का जो फ्लो हो रहा है वो बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ हो रहा है। तो वही कह रहा है कि प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लेबर टू बिजनेस, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को लेबर प्रोवाइड करती है।
अब बदले में हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर से क्या रिसीव करती है, इनकम रिसीव करती है जैसे वेजेज। उसी तरह हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, बिजनेस सेक्टर से गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन करेगा, खरीद का। जैसे देखो हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, बिजनेस सेक्टर हो गया, गुड्स कौन खरीदता है, तो गुड्स कर देगा हाउस होल्ड सेक्टर। तो गुड्स का जो फ्लो हो रहा है बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ हुआ। अब बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करना पड़ता है, उस गुड्स के बदले में पैसा देना पड़ता है। तो मनी का फ्लो कैसे हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर। एक और देख लो, बिजनेस सेक्टर क्या करता है, तो बिजनेस सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। मान लो बिजनेस सेक्टर है, तो बिजनेस सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा वो किसको प्रोवाइड कर देगा, गुड्स हाउस होल्ड सेक्टर को। और फॉर प्रोडक्शन फैक्टर जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को। अब बदले में मजदूरी कौन देगा, बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देगा। और ये सब कहाँ से, और बदले में जो सेल से जो इनकम होता है वो कौन रिसीव करेगा, तो बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को। क्योंकि हाउस बिजनेस सेक्टर क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स बेचा, और जो भी पैसा आएगा वो बिजनेस सेक्टर ले लेगा, किससे, हाउस होल्ड सेक्टर से। तो इसको इसी तरह के जो इनकम का फ्लो देख रहे हो, गुड्स का फ्लो देख रहे हो, पैसे का फ्लो देख रहे हो, सर्विसेज का फ्लो देख रहे हो, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के बीच में, इसे ही हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसी तरह गवर्नमेंट क्या करता है, दोनों सेक्टर से, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करेगा। यानी कि गवर्नमेंट हो गया, ये एक बिजनेस सेक्टर हो गया और एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। तो टैक्स जो है वो कौन कलेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट, किससे, हाउस होल्ड से भी और बिजनेस से भी। तो टैक्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर दोनों के तरफ से गवर्नमेंट के तरफ। और बदले में जो खर्चा करती है पब्लिक के लिए, वो दोनों के लिए खर्चा एक तरह से बेसिकली कर रहा है, बिजनेस सेक्टर के लिए भी कर रहा है और हाउस होल्ड सेक्टर के लिए भी कर रहा है। तो इस तरह का फ्लो देख रहे हो कि टैक्स का फ्लो हुआ बिजनेस सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर। और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका फ्लो कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये आपका फ्लो क्या कहलाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये भी आप डिफिनीशन में यूज कर सकते हो, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीट्स बिटवीन डोमेस्टिक फॉर्म्स एंड डोमेस्टिक हाउस होल्ड। जैसे मान लो ये हाउस होल्ड सेक्टर हो गया और ये बिजनेस सेक्टर हो गया। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया, गुड्स प्रोवाइड किया, यानी कि गुड्स का फ्लो जो हुआ वो बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। अब बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या किया, उस गुड्स के बदले में पेमेंट करेगा। तो मनी का जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ। तो बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, और बिजनेस सेक्टर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो आप दो सेक्टर्स के बीच में, इकोनॉमी के दो सेक्टर्स के बीच में ये जो पेमेंट और रिसीव का जो फ्लो हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एग्जांपल इसका क्लियर करते हैं हम लोग, हाउस होल्ड सेक्टर ले लो, और मान लो एक और सेक्टर ले लेते हैं बिजनेस सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, बिजनेस के लिए काम करता है, यानी कि प्रोडक्शन फैक्टर जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को, जैसे लेबर, तो बिजनेस सेक्टर के लिए काम किया। अब बदले में मजदूरी का फ्लो कैसे होगा, वेजेस का फ्लो कैसे होगा, हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ। तो ये आपका एक हो गया एग्जाम्पल। एक और ले सकते हैं गुड्स, गुड्स का फ्लो कैसे होता है, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ गुड्स का फ्लो हुआ। और पैसे का फ्लो कैसे होगा, तो जब हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स कर देगा तो बदले में बिजनेस सेक्टर को पैसा देगा। तो पैसे का फ्लो कैसे हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर से लेकर बिजनेस सेक्टर की तरफ। तो ये आपका एक एग्जांपल। एक एग्जांपल क्या है कि बिजनेस सेक्टर जो सेल से जो पैसा कलेक्ट करती है, बिजनेस सेक्टर ने क्या किया था, गुड्स प्रोवाइड किया था हाउस होल्ड सेक्टर को, और बदले में जो उसका जो रिसिप्ट हुआ था, जो पैसा उसके पास आया था, उस पैसे से वो क्या करता है, वो हाउस होल्ड सेक्टर को वेजेस देगा, रेंट देगा, अदर खर्चे करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा आपका फ्लो का एग्जांपल है। गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करके दोनों सेक्टर के लिए पब्लिक खर्चा करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेगी, एजुकेशन पे खर्चा करेगी। तो ये सब कंटिन्यूसली चलता रहता है, इसलिए इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये हमारा टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब एक इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स के बीच में मनी, गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है, जो कंटिन्यूसली जो होता है, जो कंटिन्यूसली जो मूवमेंट हो रहा है मनी, गुड्स एंड सर्विसेज का बिटवीन इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स, वो आपका क्या कहलाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाएगा।
और इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो गुड सर्विसेज मनी का जो फ्लो हो रहा है ये कंटिन्यूसली हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपके पास कि इनकम फ्लो को सर्कुलर फ्लो क्यों कहा जाता है। दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि रिसीट्स और पेमेंट्स का फ्लो जो होगा इक्वल होगा। जैसे देखो ये बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या किया, गुड्स बेचा, तो गुड्स का फ्लो जो है वो कैसे हो रहा है, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। अब बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या किया, बिजनेस सेक्टर को पैसा दिया, तो पैसे का फ्लो कितना कैसे हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो कि हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, पेमेंट किया। अब हाउस होल्ड सेक्टर जितना पेमेंट किया बिजनेस सेक्टर ने उतना ही क्या किया, रिसीव किया। दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। और हमेशा क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर ही पेमेंट करेगा, बिजनेस सेक्टर रिसीव करेगा जब गुड्स का फ्लो कर रहा है। और गुड्स का फ्लो हमेशा कैसे होगा, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर। तो क्या देख रहे हो कि अलग अलग सेक्टर्स के बीच में रिसीट्स और पेमेंट का फ्लो है जो इक्वल होता है। मतलब कि बिजनेस सेक्टर जितना रिसीव करेगा और हाउस होल्ड सेक्टर जितना पेमेंट करेगा वो क्या है, इक्वल है। इक्वली है ना, मान लो ये दस रुपये का जो फ्लो हुआ हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ हुआ, इसका मतलब कि 10 रुपया रिसीव्ड और 10 रुपया क्या है, पेमेंट, दोनों इक्वल है। सेकेंड है, रियल फ्लो और मनी फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। मनी फ्लो और रियल फ्लो देखो क्या, आगे पढ़ोगे मनी फ्लो का, रियल फ्लो का मतलब हो गया गुड्स का फ्लो, एक एग्जाम्पल ले लो, और मनी फ्लो में क्या होगा, मनी का फ्लो होता है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुड्स का फ्लो देख रहे हो कैसे हो रहा है, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। तो ये डायरेक्शन क्या है, बिजनेस टू हाउस होल्ड गुड्स का फ्लो। तो रियल फ्लो का डायरेक्शन हो रहा है बिजनेस सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। तो पैसे का फ्लो देखोगे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो पैसा कौन देगा, हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को देगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ पैसे का फ्लो हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो गुड्स का फ्लो मतलब रियल फ्लो का डायरेक्शन और मनी फ्लो का डायरेक्शन दोनों अपोजिट होते हैं। तो ये दो कारण है जिसके कारण आपका इनकम फ्लो क्या कहलाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रिंसिपल्स और रीजंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के क्या कारण है, तो दो सेक्टर फिर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, एक बिजनेस सेक्टर और एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। एक्सचेंज में, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, परचेज एंड सेल, एक्सचेंज का मतलब परचेज और सेल। तो एक्सचेंज में क्या होता है कि जो पहले देखो बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया, गुड्स का, गुड्स प्रोवाइड किया, गुड्स बेचा, तो गुड्स का फ्लो हुआ बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। अब बदले में पैसा कौन देगा, हाउस होल्ड सेक्टर देगा बिजनेस सेक्टर को। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि हाउस होल्ड सेक्टर जितना खर्च कर रही है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर का जितना खर्चा हुआ बिजनेस सेक्टर का उतना ही क्या हो गया, इनकम अर्न हो गया। और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जैसे कि गुड्स प्रोवाइड किया मान लो, तो हाउस होल्ड सेक्टर इसके लिए 10,000 रुपये मनी प्रोवाइड किया, किसको, बिजनेस सेक्टर को। तो 10,000 रुपये बिजनेस सेक्टर का इनकम हो गया और हाउस होल्ड सेक्टर का क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो वही कह रहा है कि जो बिजनेस सेक्टर में आपका प्रोडक्शन भी आ जाएगा, फर्म भी कर सकते, प्रोड्यूसर आपका कौन सा सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में। तो बिजनेस सेक्टर के द्वारा जो इनकम अर्न होगा वो इक्वल होगा कंज्यूमर या हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया गया खर्च के। यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया गया खर्च और बिजनेस सेक्टर के द्वारा किया गया इनकम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस ये पहला प्रिंसिपल हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। और दूसरा है कि गुड्स का फ्लो कैसे होगा, सेलर से बायर, सेलर का मतलब बिजनेस सेक्टर, बायर्स का मतलब हाउस होल्ड सेक्टर। तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो क्या होगा, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर। देख लो यहाँ पे बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स दे रही है, ये वन डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन आपका देख लो बिजनेस टू हाउस होल्ड। अब पैसे का जो फ्लो हो रहा है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ। और ये कंटिन्यूसली होता रहेगा हमेशा, कभी ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, हमेशा बिजनेस जो है गुड्स प्रोवाइड करेगी हाउस होल्ड सेक्टर को। अब बदले में हमेशा पेमेंट कौन देगा, हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को देगा, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो गुड्स का जो डायरेक्शन है, गुड्स फ्लो का जो डायरेक्शन है और मनी फ्लो का जो डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये भी एक कारण है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ये भी एक प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट,
सर्कुलर फ्लो कितने टाइप का होता है? तो दो टाइप का होता है बच्चों, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो, एक और ऐड कर दो प्रोडक्शन फैक्टर। प्रोडक्शन फैक्टर में जैसे लेबर हो गया, और मनी फ्लो का मतलब मनी का फ्लो, इनकम का फ्लो। तो दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहले रियल फ्लो क्या होता है? तो रियल फ्लो ऑफ इनकम का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि मान लो एक बिजनेस सेक्टर हो गया, और एक तुम्हारा हो गया सर्विस सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। तो गुड्स का फ्लो कैसे होगा बच्चों? तो गुड्स कौन बनाता है? बिजनेस सेक्टर। अब बनाकर किसको बेचती है? हाउस होल्ड सेक्टर को। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो गुड्स का फ्लो हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर, इसे हम कहते हैं रियल फ्लो। क्या कहेंगे इसको हम लोग? रियल फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे रियल फ्लो का डायरेक्शन क्या है? बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर। एक और ले लो, बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोडक्शन फैक्टर जैसे लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को प्रोवाइड करेगा। तो प्रोडक्शन फैक्टर का जो फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल फ्लो। ठीक है, तो रियल फ्लो में कुछ आपका की पॉइंट्स है। जैसे प्रोडक्शन फैक्टर का फ्लो कैसे होगा? हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ। और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कैसे होगा? बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। तो ये आपका कौन सा फ्लो कहलाएगा? रियल फ्लो। मनी फ्लो का मतलब पैसे का फ्लो, इनकम का फ्लो, इनकम का फ्लो या मनी का फ्लो। तो ये कैसे होता है? जैसे दो सेक्टर ले लो, बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि गुड्स कौन देता है? बिजनेस सेक्टर देता है हाउस होल्ड सेक्टर को। बदले में हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को क्या देता है? पैसा देता है। बिजनेस सेक्टर जब हाउस होल्ड सेक्टर को बेचा सामान, तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगी? बदले में पैसा देगी। तो पैसे का फ्लो क्या हो रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं मनी फ्लो। एक और ले लो, बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या किया? बिजनेस सेक्टर को लेबर प्रोवाइड किया, यानी कि लेबर का फ्लो कैसे होता है? हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर। तो बदले में इनकम के रूप में वेजेस या और कोई प्रोडक्शन फैक्टर दे रहा, से लैंड दे रहा हो तो रेंट, अदर खर्चा, ये खर्चा कहाँ का फ्लो कहाँ से होगा? बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये जो प्रोडक्शन फैक्टर जो है, जो प्रोडक्शन फैक्टर का जो इनकम है, फैक्टर्स इनकम इसको कहते हैं बच्चों। तो फैक्टर्स इनकम का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा? बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। तो यहाँ भी तो वेजेज में हम क्या, वेजेज में क्या दिया जा रहा होगा? मनी। रेंट में क्या दिया जा रहा होगा? मनी। तो यहाँ भी बेसिकली मनी का ही फ्लो हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग मनी फ्लो। तो मनी फ्लो रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ मनी। मनी का मूवमेंट इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स के बीच में जो पैसे का मूवमेंट होता है या इनकम का मूवमेंट होता है, उससे हम कहते हैं मनी फ्लो। जैसे वेजेस का मूवमेंट हो रहा है बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, या पैसे का फ्लो हो रहा है जब हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर से सामान खरीदती है, तो बदले में हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को पैसा देता है। तो जो पैसे का फ्लो हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स के बीच में, इसे हम कहते हैं मनी फ्लो। तो दो तरह का आपका फ्लो होता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब यहाँ पे देखोगे टू सेक्टर्स मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको आप लोग रीड कर लो। ठीक है, बस रीड करना जितना है उतना पढ़ोगे अच्छे से तो समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टू सेक्टर्स मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होगा। तो पढ़ते हैं, द टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ सिंप्लीफाइड वे टू अंडरस्टैंड हाउ मनी एंड गुड्स मूव इन एन इकोनॉमी। बेसिकली समझो कि टू सेक्टर मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, दो सेक्टर के बीच में जो गुड्स एंड मनी का जो मूवमेंट होता है, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू सेक्टर मॉडल का यूज करते हैं। यानी कि टू सेक्टर मॉडल हमें हेल्प करता है कि दो सेक्टर के बीच में जो फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो या मनी का फ्लो हो रहा है, उसको हम समझ सके, सिंप्लीफाई कर सके। तो दो सेक्टर ले लो, एक बिजनेस सेक्टर और एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। तो इसमें बेसिकली दो सेक्टर्स होते हैं, एक हाउस होल्ड और एक बिजनेस। हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड जो होता है वो फैमिली से बना होता है, इसको फैमिली सेक्टर भी कह सकते हो। और ये क्या करता है? लेबर प्रोवाइड करता है, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो लेबर प्रोवाइड कर रहा है या प्रोडक्शन फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो बदले में मजदूरी कौन देगा? मजदूरी आपका बिजनेस सेक्टर देगा, किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। तो दो सेक्टर के बीच में क्या देख रहे हो कि हम लोग मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को देख रहे हैं, मूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, मूवमेंट ऑफ मनी को देख रहे हैं।
तो ये आपका कौन सा मॉडल में होता है, टू सेक्टर्स मॉडल में यही होता है। तो यहाँ पे दे प्रोवाइड यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करती है, लेबर प्रोवाइड करती है किसको, बिजनेस को, और बदले में मजदूरी लेता है या और भी प्रोडक्शन, या बदले में फैक्टर्स इनकम रिसीव करता है। तो फैक्टर इनकम कौन रिसीव कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव कर रहा है किससे, बिजनेस सेक्टर से। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, ये जो इनकम अर्न किया बिजनेस सेक्टर से वेजेस के रूप में, रेंट के रूप में, तो उसके पास जो पैसा है उस पैसे से वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। तो यहाँ पे पैसे का फ्लो हो रहा है बिजनेस की तरफ। यानी कि बेसिकली क्या होता है, सिंपल सा एग्जांपल समझो, हाउस होल्ड सेक्टर का एक पर्सन ले लो राम। राम किया क्या है, बिजनेस सेक्टर में काम करके मजदूरी कमाया या उसको सैलरी मिला मान लो 10,000। अब इसी पैसे से वो क्या करेगा, सामान का कंजम्पशन पे खर्च करेगा। तो क्या देख रहे हो कि जो मनी का फ्लो है वो पर्सन से कहाँ जा रहा है, बिजनेस सेक्टर की तरफ। तो यही चीज़ बोल रहा है यहाँ बेसिकली। बिजनेस सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है और हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे गुड्स का फ्लो होता है बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, और बदले में बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से उस गुड्स के बदले में क्या करती है, पैसा कर लेती है, मनी। तो मनी का फ्लो कैसे हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर। तो बेसिकली इसको पढ़ लेना क्योंकि ये सब चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या करता है, वो एक तरीका है पता करने में कि दो सेक्टर्स के बीच में जो गुड्स सर्विसेज और मनी का जो मूवमेंट होता है उसको अंडरस्टैंडिंग करने में आपको हेल्प करेगा कौन सा मॉडल, टू सेक्टर मॉडल। टेक्स्ट बुक में इसका पिक्चर होगा, इसका पिक्चर आप लोग टेक्स्ट बुक से लिख सकते हो, उसमें बस दर्शाना होगा। जैसे एक तरफ ले लो बिजनेस सेक्टर, एक तरफ ले लो आपका हाउस होल्ड सेक्टर, और इस तरह से जैसे गुड्स का मूवमेंट, मनी का मूवमेंट, फिर प्रोडक्शन फैक्टर का मूवमेंट, फिर क्या हो गया वेजेस का मूवमेंट, इस तरह से आपको एक फिगर बनाकर दिखा देना है। टू सेक्टर मॉडल में आपका देखो, इसमें आपका दो तरह के फ्लो होगा, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। तो इसमें टू सेक्टर मॉडल में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कैसे होगा, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, और बदले में मनी का फ्लो कैसे होगा, मनी का फ्लो जो होगा वो हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ होगा। तो यही आपका फ्लो ऑफ इनकम होता है टू सेक्टर मॉडल में। तो टू सेक्टर मॉडल में हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को दिखाते हैं कितने सेक्टर्स के बीच में, टू सेक्टर्स के बीच में। दो सेक्टर कौन कौन, एक बिजनेस सेक्टर हो गया और एक हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। आगे थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ इनकम, इसमें एक और सेक्टर आपका ऐड हो जाता है, गवर्नमेंट। यानी कि इसमें इसको इस तरह ले सकते हो, टू सेक्टर मॉडल प्लस गवर्नमेंट सेक्टर। यानी कि एक तरफ बिजनेस सेक्टर हो गया, एक तरफ हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, और एक तरफ क्या हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। इसको यहाँ पे समझो, थ्री सेक्टर मॉडल में आपका क्या होगा, एक हो गया बिजनेस सेक्टर, एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, और एक हो गया तुम्हारा गवर्नमेंट सेक्टर। अब यहाँ पे देखो किस तरह से थ्री सेक्टर मॉडल में हम क्या क्या पता लगाएंगे। तो इकोनॉमी के तीन सेक्टर्स के बीच में गुड्स सर्विसेज मनी का फ्लो, जैसे देखो गुड्स का फ्लो कैसे हो रहा है, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। अब पैसे का फ्लो कैसे होगा, तो हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ पैसे का फ्लो। प्रोडक्शन फैक्टर का फ्लो कैसे होगा, तो हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ। ये प्रोडक्शन फैक्टर हो गया, जैसे लेबर हो गया, लैंड हो गया। अब बदले में प्रोडक्शन फैक्टर यूज किया बिजनेस सेक्टर, तो बदले में जो पैसा देगा जैसे वेजेज, रेंट, सैलरी, तो इसका फ्लो कैसे हो रहा है, यहाँ पे फैक्टर्स इनकम का जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। बिजनेस सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा। उसी तरह हाउस होल्ड सेक्टर से भी गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा। अब बदले में गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, बिजनेस सेक्टर के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करेगा। तो उसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करता है। तो ये फ्लो आपका क्या हो गया, थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लोइंग है। इसमें तीन सेक्टर आ जाते हैं, तो पढ़ लो एक बार। The three sector model of circular flow of income expands on the two sector model by adding the government sector. Two sector model तो है ही इसमें, यानी कि business sector और आपका
हाउस होल्ड सेक्टर, उसके अलावा एक और सेक्टर है जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर। तो तीन सेक्टर्स के बीच में जो गुड्स सर्विसेज मनी का जो फ्लो होता है उसको हम दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं थ्री सेक्टर मॉडल में। बस पर लोग है, सारा चीज हमने पढ़ा रखा है, बस पर लोग है। इसमें भी दो फ्लो होगा, रियल फ्लो यानी कि गुड्स का फ्लो कैसे होगा, बिजनेस सेक्टर से आपका हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, या बिजनेस सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट भी तो गुड्स यूज करती है ना, तो गुड्स का फ्लो हो रहा है बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। अब पैसे का फ्लो कैसे होगा, हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ या गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ। टैक्स का फ्लो कैसे होगा, तो बिजनेस और हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। अब बदले में पब्लिक एक्सपेंडिचर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा कहाँ कौन करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर करता है बिजनेस सेक्टर के लिए और हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्लो हो रहा है गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के, बस यही है। मनी फ्लो में मनी का फ्लो, तो ये दोनों मिला दो तो आपका क्या कहलाएगा, फ्लो ऑफ इनकम। और ये फ्लो ऑफ इनकम सर कंटिन्यूसली चलता रहता है और डायरेक्शन हमेशा सेम होगा, और एक का पेमेंट, एक सेक्टर का पेमेंट दूसरे सेक्टर का रिसिप्ट इक्वल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस फ्लो ऑफ इनकम को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। फोर सेक्टर मॉडल में एक और आ जाएगा तुम्हारा, फोर सेक्टर मॉडल में तुम्हारा चार सेक्टर आ जाएगा, फॉरेन सेक्टर भी आ जाएगा। जैसे देखो फोर सेक्टर मॉडल में क्या आ जाएगा, एक बिजनेस सेक्टर हो गया, एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, एक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया और एक फॉरेन सेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को छोड़कर बाकी देश क्या कहला किस में आ जाएंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अब यहाँ पे देखो गुड्स का फ्लो पहले निकाल दो बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ और बिजनेस सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। पैसे का फ्लो कैसे होगा, हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ और गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे तुम देखोगे प्रोडक्शन फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर कौन प्रोवाइड करता है, तो हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को। तो प्रोडक्शन फैक्टर का फ्लो हो गया हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। अब बदले में जो मजदूरी देगा, जो पैसा देगा, उसका फ्लो कैसे होगा, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, ये हो गया। उसी तरह गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए खर्च, हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करेगा, यानी कि टैक्स का फ्लो कैसे हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। और गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, बिजनेस सेक्टर से भी टैक्स लेती है, तो टैक्स का फ्लो यहाँ भी क्या देख रहे हो, बिजनेस सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए खर्चा करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का फ्लो हो रहा है गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर, और साथ में गवर्नमेंट बिजनेस सेक्टर के लिए भी पब्लिक एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का फ्लो क्या देख रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देख लो, सिंपल सी बात है, जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, विदेश में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो बदले में क्या होगा, विदेश से जो वेजेज ले रहा है ये आपका आ जाएगा। बिजनेस सेक्टर भी क्या होगा, जैसे एक्सपोर्ट कर रही है, गुड्स का फ्लो क्या हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट जो हो रहा है बिजनेस सेक्टर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे दूसरा वर्ल्ड ले लो, यूएसए ले लो, तो बिजनेस सेक्टर क्या कर रही है, यूएसए में सामान एक्सपोर्ट कर रही है, बदले में पैसे का जो फ्लो होगा वो यूएसए से बिजनेस सेक्टर में आएगा। तो इस टाइप का जो सेक्टर है, ये इस टाइप का जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, कौन से मॉडल में आ जाएगा, फोर सेक्टर्स मॉडल में। तो फोर सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फर्दर एक्सपेंस, इसमें थ्री सेक्टर मॉडल के भी आगे एक और एक सेक्टर ऐड हो गया, वो क्या कहलाएगा, फॉरेन सेक्टर या यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस फोर सेक्टर मॉडल में क्या देख रहे हो कि चार सेक्टर्स के बीच में, यानी कि इकोनॉमी के चार सेक्टर्स के बीच में जो गुड्स सर्विसेज मनी का जो मूवमेंट हो रहा है उसको दर्शाया जा रहा है फोर सेक्टर मॉडल के माध्यम से। तो इसको पढ़ लोगे, इसको भी पढ़ लोगे, सारा चीज़ हमने बता रखा है। अब हमारा आ जाएगा, इसमें भी दो फ्लो होगा, यानी कि फोर सेक्टर मॉडल में गुड्स का फ्लो कैसे होगा, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, बिजनेस सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, बिजनेस सेक्टर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ। और पैसे का फ्लो कैसे आएगा, तो हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस की तरफ, गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस की तरफ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बिजनेस की तरफ। तो यही सारा पढ़ लोगे आप लोग, और पैसे का फ्लो उल्टा हो जाएगा। लीकेज ऑफ इनकम क्या होता है, देखोगे ध्यान से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है,
तो मान लो दो सेक्टर लेते हैं, एक बिजनेस सेक्टर एक हाउस होल्ड सेक्टर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि हाउस होल्ड सेक्टर जितना खर्चा किया, ठीक है मान लो 10 रुपये खर्चा किया, तो वापस बिजनेस सेक्टर क्या करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को 10 रुपये मान लो प्रोवाइड किया। मान लो अभी एज्यूम कर लो कि दो ही सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, अभी एज्यूम कर लो कि दो ही सेक्टर्स हैं, एक बिजनेस सेक्टर और एक हाउस होल्ड सेक्टर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि बिजनेस सेक्टर जो है 10 रुपये जो कमाया हाउस होल्ड सेक्टर से, वापस हाउस होल्ड सेक्टर को 10 रुपये दे देगा। तो यहाँ पे एक का पेमेंट, यानी कि एक ऐसे देखो, एक का खर्चा और दूसरे का इनकम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बैलेंस में रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मान लो हाउस होल्ड सेक्टर से मान लो मजदूरी कमाया किसने, सॉरी हाउस होल्ड सेक्टर मजदूरी कमाया किससे, बिजनेस सेक्टर से मान लो 10 रुपया। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या करता है कि अगर हाउस होल्ड सेक्टर 10 रुपये कमाया तो इसको वापस खर्च करे, वापस इकोनॉमी में लाए, यानी कि वापस इसको 10 रुपये इकोनॉमी में लाना होगा, वापस बिजनेस सेक्टर में 10 रुपये खर्च करने होंगे। लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर ने ऐसा नहीं किया, 10 रुपये तो कमाया, उसमें से 2 रुपया उसने क्या किए, निकाल लिए, सेविंग कर लिए, और 8 रुपया ही सिर्फ क्या किया, वो बिजनेस सेक्टर को दिया, तो गड़बड़ा गया ना मामला। यानी कि 10 रुपया हाउस होल्ड सेक्टर ने रिसीव किया, 2 रुपया उसने बचा लिए, अपने पास रख लिए, सिर्फ 8 रुपया वापस बिजनेस सेक्टर को लगा। इकोनॉमी में 10 रुपया रिसीव हुआ, 8 रुपया दिए, तो 2 रुपये कहाँ गया, तो 2 रुपये आपका जो है ये गड़बड़ा गया, यानी कि आपका जो इनकम फ्लो है उसमें लीकेज हो जाएगा। क्योंकि इनकम फ्लो आपका क्या है, जितना आया उतना गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 10 रुपया आया और 8 रुपये गया, तो देखो बीच में थोड़ा सा ये गैप बन गया 2 रुपये का, यही आपका लीकेज ऑफ इनकम के कारण है। तो लीकेज ऑफ इनकम का मतलब रेफर्स टू द मनी डैट इज विदड्रॉन, 2 रुपये यहाँ पे क्या कर लिए, विदड्रॉ कर लिए, सेव कर लिए, किससे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमी में जो इनकम लेवल है वो घट जाएगा, क्योंकि आपने 10 रुपये कमाया, अब उसको दूसरे सेक्टर की बारी थी 10 रुपये कमाने की, लेकिन वो तो सिर्फ 8 ही रुपये कमाया, 2 रुपये आप कहाँ गया, 2 रुपये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से वो मनी विड्रॉ हो गया, बाहर आ गया। तो इसी को कहते हैं लीकेज ऑफ इनकम। तो लीकेज ऑफ इनकम के कारण क्या हो सकते हैं, एक सेविंग हो गया, एक टैक्सेज हो गया, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है टैक्सेज थोड़ा सा ले लेती है, तो यही सब रीजन है। तो बेसिकली सेविंग याद रखो, यानी कि जितना इनकम आपने रिसीव किया उतना ही अगर खर्च करते हैं तब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बैलेंस में है। लेकिन आप जितना इनकम रिसीव किए, जैसे मान लो 10 रुपया रिसीव किए, उसमें से आप वापस इकोनॉमी में 8 रुपया छोड़ा, 2 रुपये का आपने बचत कर लिया, तो 2 रुपये आपने क्या किया, फ्लो ऑफ इनकम से विड्रॉ कर लिया, तो इसी को लीकेज ऑफ इनकम कहा जाता है। इंजेक्शन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि इसमें हम एडिशन कर लेंगे। जैसे देखो इंजेक्शन ऑफ इनकम रेफर्स टू द मनी एडेड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब कि जितना रिसिप्ट है उतना पेमेंट होना चाहिए, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जितना आपका इनकम और पेमेंट का जो फ्लो हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपका इनकम तो हो रहा है लेकिन उतना खर्चा नहीं हो पा रहा है, कुछ कम जा रहा है, तो इसको हम पूरा करेंगे ना, तो इसी को कहा जाता है इंजेक्शन ऑफ इनकम, यानी कि आपको पैसे ऐड करना है जिसके कारण सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बैलेंस में हो। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बैलेंस में कब होगा, जब रिसीप्ट और पेमेंट इक्वल हो जाए, और जहाँ रिसीप्ट और पेमेंट इक्वल नहीं हो रहा है आपको ऐड करना है उसमें, ताकि जैसे मान लो रिसीप्ट से आपका 8 रुपया या रिसीप्ट से 10 रुपया और पेमेंट है 8 रुपया, तो आपने 10 रुपया रिसीप्ट किए, 8 रुपये पेमेंट किए, तो 2 रुपया इसमें और ऐड करेंगे तब ना रिसीप्ट और पेमेंट इक्वल होगा। तो ये जो हम ऐड कर रहे हैं ना, ये आपका कहलाएगा इंजेक्शन ऑफ इनकम। तो ऐड कैसे होता है, ये इनकम कैसे इंक्रीज होगा, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो इंजेक्शन ऑफ इनकम में क्या कर किया जाता है, इन्वेस्टमेंट एक एक्टिविटी हो गया, इन्वेस्टमेंट करके जितना रिसीप्ट है जितना पेमेंट रिसीप्ट इक्वल किया जाता है, क्योंकि इनकम जब बढ़ेगा तभी तो खर्चा आपका बैलेंस होगा, तो ये चीज़ है इसमें। तो ये हो गया इंजेक्शन ऑफ इनकम, लीकेज ऑफ इनकम बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जब हम पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब कि जितना इनकम हुआ 10 रुपया इनकम हुआ, हम 10 रुपया वापस इकोनॉमी में नहीं छोड़े, हम 2 रुपया रख लिए, वो हमारा लीकेज ऑफ इनकम हो गया। और इंजेक्शन ऑफ इनकम का मतलब हो गया कि हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं है,
हमारा इनकम है 8 रुपया और खर्च करने की बारी आ रही है 10 रुपया, लेकिन 10 रुपया खर्च नहीं कर पा रहे हैं, 2 रुपया इनकम हमारा कम हो जा रहा है, तो 2 रुपया जो इनकम कम हो रहा है ना, उस इनकम में वृद्धि करना, उस 2 रुपये को ऐड करना, और 2 रुपये जो घट रहा है इनकम, वो 2 रुपये ऐड करना, वो क्या कहलाएगा, इंजेक्शन ऑफ इनकम। लीकेज ऑफ इनकम का एग्जांपल ले लेना सेविंग, सेविंग अगर सेविंग करेंगे तो इससे क्या हो, सेविंग के कारण क्या होता है, लीकेज ऑफ इनकम होता है, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा इंजेक्शन ऑफ इनकम होगा। कभी कभी गवर्नमेंट भी खर्चा करती है कि लोगों का इनकम हो, क्योंकि लोगों का जितना इनकम होगा उतना ही खर्चा होगा, तभी हमारा इकोनॉमी है बैलेंस में रहेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बैलेंस में रहेगा। सीधा सीधी समझो इकोनॉमी क्या है, 2 सेक्टर्स है, तो एक सेक्टर जितना रिसीव करता है दूसरे सेक्टर का उतना पेमेंट इक्वल होना चाहिए, और रिसीप्ट पेमेंट या इनकम एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं है, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बैलेंस में नहीं है, तो इसमें या तो लीकेज होगा, अगर जितना आपने इनकम अर्न किया वापस उतना ही इकोनॉमी में नहीं छोड़ा, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अनबैलेंस हो जाता है। तो इस केस में अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इम्बैलेंस हो जाएगा, तो उससे बचने का तरीका है कि इंजेक्शन कर लीजिए। तो लीकेज ऑफ इनकम बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम है, और इंजेक्शन ऑफ इनकम क्या करते हैं, उस लीकेज ऑफ इनकम जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए इंजेक्शन ऑफ इनकम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के क्या फ़ायदे हैं, तो यह हेल्प करता है नेशनल इनकम का अनुमान लगाने में, यह हमें नॉलेज देता है कि हमारा इकोनॉमी किस तरह से काम कर रहा है, और ये हेल्प करता है स्टडी करने में कि फिस्कल पॉलिसी हमारा अलग अलग, हमारा जो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से फिस्कल पॉलिसी में कैसे, फिस्कल पॉलिसी किस तरह से काम कर रहा है। तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी को स्टडी करने में इकोनॉमी में हमारा वर्किंग इकोनॉमी हमारा किस तरह से काम कर रहा है, और नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इसमें हेल्प करता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का लेक्चर, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे। तो चलो मिलते हैं बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।